हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एटीएम कार्ड को ट्रैक कैसे करते हैं। दोस्तों, यदि आप न्यू एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं या आप न्यू अकाउंट खुलवाए हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपका एटीएम कार्ड कहाँ तक पहुँचा हुआ है, कहाँ तक आया हुआ है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका एटीएम कार्ड कहाँ तक पहुँचा हुआ है। दोस्तों, एटीएम कार्ड को ट्रैक करने के लिए आपके पास में ट्रैकिंग नंबर होना चाहिए जो कि एसएमएस के थ्रू आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइलों पे या आपके मेल पर भी आया होगा। तो ट्रैकिंग नंबर है तो आप पता कर सकते हैं कि आपका एटीएम कार्ड कहां तक पहुंचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक प्यार भरा रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटों को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह का जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एटीएम कार्ड को ट्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन से किसी भी नेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और आपको सर्च बार में टाइप करना है इंडियन पोस्ट ट्रैकिंग। इंडियन पोस्ट ट्रैकिंग लिखने के बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा। सबसे पहला जो लिंक मिल रहा है ट्रैक कंसाइनमेंट इंडिया पोस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जिससे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना कंसाइनमेंट नंबर डाला है यानी कि आपको ट्रैकिंग नंबर डाला है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आया होगा उसमें आपको ट्रैकिंग नंबर दिया होगा। तो आपको ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर आपको डाला है। इसके नीचे यहाँ पर कैप्चा के रूप में कैलकुलेशन दिया गया है तो आपको इसको सॉल्व करना है। इसको आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अपना ट्रैकिंग नंबर डाल दिया। इसके नीचे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके इसको यहाँ पे डाल दिया हूँ। इसके बाद हम सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और इसका डिटेल ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आपका एटीएम कार्ड कहाँ तक पहुँचा हुआ है आपको करंट एड्रेस में आपको दिख जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं करंट एड्रेस पे बता रहा है कि हमारा एटीएम कार्ड डिस्पैच हो चुका है यानी कि हमारा एटीएम कार्ड हमारे घर तक पहुँच गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप पता कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एटीएम कार्ड कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप सबको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट प्रॉब्लम या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।